हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है गेम रूप यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन आरपीजी गेम्स, जिनके अंदर आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स का रोल प्ले करना पड़ता है और इन सारे गेम्स को आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हो। तो गाइज, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हम ऐसे ही गेम्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करेंगे नंबर 10 गेम से, और नंबर 10 पर है ब्लेड ऑफ गॉड। दोस्तों, ब्लेड ऑफ गॉड एक 3D एक्शन आरपीजी गेम है, जिसमें आपको अलग अलग तरीकों के मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है, और इस गेम के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको इस गेम के अंदर बहुत ही अच्छा गेम प्ले भी देखने को मिल जाता है, जो इस गेम को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देगा। और साथ ही साथ इस गेम में आपको अलग अलग तरीके के डीमन के साथ साथ गॉड से भी फाइट करनी पड़ती है, जिन्हें डिफीट करने के लिए आपको अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके के लेवल्स को कम्प्लीट करके आप अपने लेवल को अपग्रेड भी कर सकोगे। इसके अलावा दोस्तों, इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इस गेम के अंदर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, और इस गेम का साइज 2GB तक है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और इस गेम को खेलने के लिए भी आपको किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस गेम को ऑफलाइन खेल सकते हो। गाइस, नंबर 9 पर है एनिमा एआरपीजी। दोस्तों, एनिमा एआरपीजी एक हैक एंड स्लैश एक्शन आरपीजी गेम है, जिसमें आपके करेक्टर को अलग अलग तरीके के ईवल फोर्सेस के साथ फाइट करनी पड़ती है, और ऑफलाइन गेम होने की वजह से इस गेम में भी आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी, और 40 से ज़्यादा लेवल्स को कम्प्लीट करने के लिए आप इस गेम के अंदर अपनी स्किल को इस्तेमाल में ले सकते हो, और साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको अलग अलग तरीके की बॉस बैटल भी करने को मिल आती है, जिससे आपको इस गेम को खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ इस गेम में आपको फास्ट पेस कॉम्बैट स्टाइल भी देखने को मिल जाती है, जिससे आपको इस गेम को बहुत फास्ट तरीके से खेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में। आपको इस गेम के अंदर हाई क्वालिटी के टॉप डाउन 3D ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, और इस गेम के साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 350 MB तक है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और इस गेम को खेलने के लिए भी आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस गेम को ऑफलाइन खेल सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पर है ज्यूली। दोस्तों, ज्यूली एक एक्शन एडवेंचर 2D आरपीजी गेम है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के एनिमीज देखने को मिल जाते हैं, और इस गेम के अंदर आपको चाइनीज मेथोलॉजी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीमंस भी देखने को मिल जाएंगे, और उन्हें डिफीट करके आप इस गेम के लेवल्स को कम्प्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप इस गेम के अंदर अपने कैरेक्टर की पावर और एबिलिटी को भी बढ़ा सकते हो, जिन्हें आप डीमंस को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल में ले सकोगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में। आपको इस गेम के अंदर चाइनीज आर्ट के जैसे 2D ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, और इस गेम के साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 100 MB तक है, जिसे आप लो एंड डिवाइस में भी आसानी से खेल सकते हो, और इस गेम को खेलने के लिए भी आपको किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस गेम को आप ऑफलाइन खेल पाओगे। गाइस, नंबर 7 पर है व्हाइट फ्लेम। दोस्तों, व्हाइट फ्लेम एक 3D एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम है, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के गेम प्ले मोड्स खेलने को मिल जाते हैं, और इस गेम का ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट होने की वजह से आप इस गेम के अंदर किसी भी जगह पर जाकर उसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकोगे, और साथ ही साथ आपको इस गेम के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरह के एनिमी से फाइट करनी पड़ती है, और उन्हें डिफीट करके आप अपने लेवल्स को अपग्रेड कर क्राफ्टिंग करके अपने वेपन्स को भी अपग्रेड कर सकोगे। साथ ही साथ इस गेम के अंदर
आपको अलग अलग तरह की स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी जो इस गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में। आपको इस गेम के अंदर टॉप डाउन नॉर्मल ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और इस गेम के साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 125 MB तक है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पर है ओशन हॉर्न। दोस्तों ओशन हॉर्न एक एक्शन एडवेंचर टॉप डाउन पजल सॉल्विंग गेम है जिसमें आपको अलग अलग तरीके की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ता है और जैसे जैसे आप इस गेम की मिस्ट्री को सॉल्व करोगे आप इस गेम के लेवल को भी कंप्लीट कर पाओगे। इसके अलावा जैसे जैसे आप इस गेम के लेवल को कंप्लीट करते जाते हो आपकी डिफ़िकल्टी भी लेवल के हिसाब से बढ़ती रहेगी जिससे ये गेम आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और स्टोरी लाइन होने की वजह से आपको इस गेम के अंदर 10 घंटे से ज़्यादा स्टोरी गेम प्ले खेलने को मिल जाता है जिससे आप घंटों तक इस गेम को खेल पाओगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में। आपको इस गेम के अंदर टॉप डाउन 3D ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जो दिखने में डिसेंट ही दिखते हैं और इस गेम के साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 260 MB तक है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पर है हेरिटिक गॉड्स। दोस्तों हेरिटिक गॉड्स एक एक्शन रोल प्ले गेम है जिसमें आपको अलग अलग तरीकों के गॉड के साथ फाइट करनी पड़ती है और साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स और वाइकिंग के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी जिन्हें डिफीट करके आप इस गेम के लेवल को कम्प्लीट कर पाओगे। और टॉप डाउन गेम होने की वजह से आपको इस गेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावर्स भी देखने को मिल जाती है जिन्हें आप अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल में ले सकोगे। इसके अलावा इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो आपको इस गेम के अंदर टॉप डाउन नॉर्मल 3D ग्राफिक्स ही देखने को मिलेंगे और इस गेम का साइज 90 MB तक है जिसे आप लो एंड डिवाइस में भी आसानी से खेल सकोगे और इस गेम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर है आर्केन क्वेस्ट लीजेंड्स। दोस्तों आर्केन क्वेस्ट लीजेंड्स एक एक्शन एडवेंचर हैक एंड स्लैश RPG गेम है जिसमें आपको अलग अलग तरीकों के एनिमीज के साथ फाइट करनी पड़ती है और फाइट करने के लिए भी आपको इस गेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको अलग अलग तरीके की पावर्स और एबिलिटी दी गई हैं जिन्हें आप एनिमीज को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। और साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिल जाएगी जिससे आप इस गेम को आसानी से घंटों तक खेल पाओगे। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में। आपको इस गेम के अंदर 3D HD ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और इस गेम के साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 900 MB तक है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर है डेड सेल्स। दोस्तों डेड सेल्स एक रेट्रो स्टाइल एक्शन RPG गेम है जिसमें आपको अलग अलग तरहों के सुपर हीरो कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और हर करेक्टर के अंदर आपको यूनिक स्किल्स और एबिलिटी देखने को मिलेगी जिन्हें आप अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल में ले सकोगे। और साइंस फिक्शन थीम होने की वजह से इस गेम में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोबोट के साथ भी फाइट करनी पड़ती है और उन्हें डिफीट करने के लिए आपको अपने लेवल को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और दोस्तों ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इस गेम के अंदर आपको हाई क्वालिटी के 2D ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और इस गेम के साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 50 MB तक है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आसानी से खेल पाओगे। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर है पास्कल वेजर। दोस्तों पास्कल वेजर एक एक्शन एडवेंचर रोल प्ले डार्क फैंटेसी गेम है
जिसमें आपको टॉप डाउन हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और इस गेम में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉसेस के साथ फाइट करनी पड़ती है, जिन्हें डिफीट करके आप इस गेम की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर पाओगे। और उन्हें डिफीट करने के लिए आपको इस गेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन भी यूज़ करने को मिल सकते हैं, जिन्हें आप अपने लेवल को अपग्रेड कर अनलॉक कर सकोगे। और दोस्तों, ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इस गेम के अंदर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के 3D ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और इस गेम का साइज 2.3 GB तक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस गेम को डाउनलोड कर सकोगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नंबर 1 पर है एनिमस हारबिंजर। दोस्तों, एनिमस हारबिंजर भी एक एक्शन एडवेंचर RPG गेम है, जिसमें आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक के साथ साथ बहुत ही अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा और इस गेम में भी आपको बाकी गेमों के जैसे ही बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमीज और बॉस बैटल करने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा गेम प्ले मैकेनिक्स होने की वजह से आपको ये गेम खेलने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इस गेम के अंदर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और इस गेम का साइज 700 MB तक है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, ये थे टॉप 10 बेस्ट RPG गेम्स, जिन्हें आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम ऐसे ही गेम से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।